पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के कॉन्वोकेशन में लिया हिस्सा। बीटेक एमटेक और पीएचडी के तलबा को दी गई डिग्री। पीएम ने आईआईटी गुवाहाटी में एक सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन के कयाम की भी कही बात। पीएम ने कहा, एक मुल्क का मुस्तकबिल वही है जो आज के नौजवान सोचते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से नई तालीम पॉलिसी की तारीफ की, कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मुल्क को दुनिया भर में एजुकेशन डेस्टिनेशन के तौर पर करेगी डेवलप। यूएन की 75वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने खरी खरी सुनाई, कहा पुराने निजाम से कई नए चैलेंजेस का मुकाबला करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि यूएन के ढांचे में बदलाव की बेहद जरूरत है। बुध को कोरोना पर पीएम मोदी की अहम मीटिंग, सबसे ज्यादा मुतासर 7 रियासतों के वज़राए आला से करेंगे बात, आगे की हिकमत अमली पर होगा गौर खोज। राज्यसभा में अपोजिशन का ज़राई बिल में तरमीम का मुतालबा, अपोजिशन समेत कांग्रेस ने किया ऐवान का बायकॉट, 8 अराकीन पार्लियामेंट के मअतली वाला फैसला वापस लेने की भी मांग। मअतल अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत में एक दिन का उपवास करेंगे शरद पवार, एमपीज के गैर मुअज्जब रवैये के खिलाफ आज उपवास पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश। मअतल हुए अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत में राज्यसभा में बोले कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद, मअतल हुए अराकीन पार्लियामेंट को किया जाए बहाल। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली को रद्द करने का किया मुतालबा, कहा अपोजिशन के लोगों से गलती हुई है लेकिन उन्हें माफ करना चाहिए। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 21 में बनेगी यूपी के फिल्म सिटी, सीएम योगी ने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तजवीज पर लगाई मुहर। सीएम हाउस पर फिल्म सिटी का को लेकर हुई मीटिंग, बॉलीवुड की नामी हस्तियों के साथ चर्चा करने के बाद बोले सीएम योगी, हमारे यहां कुछ भी अधूरा नहीं होता। फिल्म सिटी पर अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तदार के फिल्म सिटी का क्रेडिट दे रही है बीजेपी, कांग्रेस बोली नौजवानों को गुमराह कर रही सरकार। यूपी में 69,000 टीचर भर्ती मामला, यूपी सरकार के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, बीटीसी उम्मीदवारों ने किया 31,661 ओहदों पर रोक का मुतालबा। 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगी रिया चक्रवर्ती, सेशन कोर्ट ने रिया की अदालती तहवील में 6 अक्टूबर तक की तौसी की। एनसीबी की जांच में फिल्म मेकर मधु मांटेना वर्मा का नाम भी आया सामने, जया शाह के साथ मधु मांटेना वर्मा की चैट आई सामने, एनसीबी पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है। दीपिका पादुकोण के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा इंकशाफ, कोको पब में दी थी हेलोवीन पार्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य राय कपूर हुए थे शामिल। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया, रात से ही चल रहा था एनकाउंटर। केरल में एनआईए को मिली एक और बड़ी कामयाबी, लश्कर ए तैयबा को फंडिंग करने वाला गुल नवाज तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मुंबई के भिवंडी में इमारत गिरने से मरने वालों की तादाद पहुंची 21-20 को बचाया गया, राहत रसाने का काम अब भी जारी। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी, गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 75,083 नए केस, मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 55,62,663 लोग मुतासर। साहिबगंज में इंसानी तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, एक खातून समेत 2 मुलजमीन गिरफ्तार, 9 नाबालिग लड़कियों को भी कराया गया आजाद। मिथिला के बाशिंदों के लिए अच्छी खबर, 8 नवंबर से दरभंगा से दिल्ली के लिए सीधी परवाज, स्पाइस जेट की शुरू की गई टिकट बुकिंग। जीएसटी रिटर्न दाखिल करना पहले से होगा आसान, टैक्स पेयर्स की सहूलत के लिए अब जीएसटी रिटर्न फॉर्म पहले से ही भरा हुआ आएगा। टेलीकॉम कंपनियों को हर हाल में 31 मार्च 2021 तक करनी होगी 10% बकाया AGR की अदायगी, कम से कम 12,921 करोड़ रुपए की करनी होगी अदायगी। और अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों की आग में तेजी, धूल भरी आंधी की वजह से और भी तेज हुई आग, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी।